उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसको फांसी की सजा मिले। ऐसा कृत्य और किसी दूसरे परिवार के साथ, दूसरी मासूम बच्ची के साथ ऐसा कृत्य। मेरा नाम हीना रानी सोनी है, मैं आर्यभट्ट कॉलेज की स्टूडेंट रही हूँ और मेरा एज ए JEE राजस्थान में सिलेक्शन हुआ है, इसलिए मैं सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और प्रिंसिपल सर सभी को शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इस कामयाबी के पीछे आर्यभट्ट कॉलेज का बहुत बड़ा योगदान रहा है। थैंक यू। जयपुर के नरेना में 4 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म व हत्या के आरोपी को फांसी दिलाने की मांग। देशवाली विकास बोर्ड एवं शोध संस्थान के बैनर तले विभिन्न समाजों ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। देशवाली विकास बोर्ड एवं शोध संस्थान ऑल राजस्थान अजमेर के बैनर तले ग्राम पंचायत कुचील के सरपंच शाहिद खान और देशवाली बोर्ड एवं शोध संस्थान के उपाध्यक्ष बदरुद्दीन खान के नेतृत्व में विभिन्न समाजों के लोगों ने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर जयपुर स्थित नरेना गांव में 4 वर्षीय मासूम बालिका से बलात्कार कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी सुरेश बलाई को यथाशीघ्र फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री से मांग की गई है कि ऐसी घटनाओं की भविष्य में फिर से पुनरावृत्ति ना हो, इसे लेकर सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं और अपराधियों पर अंकुश लगाया जाए। इसके अलावा पीड़ित परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और उचित मुआवजा देकर राहत प्रदान की जाए। आज हम सब ने देशवाली विकास बोर्ड एवं शोध संस्थान के सानिध्य में हमारे चेयरमैन साहब, पूर्व सरपंच साहब सलीम मोहम्मद जी के नेतृत्व में श्रीमान कलेक्टर साहब को, जो पिछले दिनों नरेना में उस बच्ची के साथ बलात्कार करके जो मर्डर किया गया, उसके खिलाफ हम पूरे समाज के लोग और दूसरे विभिन्न समाज के लोग भी हमारे साथ हैं। उसके खिलाफ हमने श्रीमान कलेक्टर साहब के मार्फत CM साहब को लेटर लिखा है। उसमें हमने मांग की है कि भाई मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए की राशि मुआवजा दी जाए, उसके परिवार से एक सरकारी नौकरी दी जाए और उस जो दरिंदा है उसको तुरंत प्रभाव से, बिना किसी अपील के, उसको तुरंत प्रभाव से फांसी दी जाए। और हम पूरे जोर शोर के साथ इसकी मांग करते हैं कि उस मृतक का जो दरिंदा है उसको तुरंत फांसी दी जाए और हम इस मांग को कलेक्टर साहब के माध्यम से पूरे जोर शोर से उठाएंगे। अगर हमारी जन सुनवाई नहीं हुई तो हम देशवाली विकास बोर्ड के मार्फत से हम बहुत जल्दी एक बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। उसमें हम सभी समाज, केवल देशवाली समाज ही नहीं, हमारे साथ विभिन्न संगठन के लोग भी साथ हैं। हम सब उनका भी आभार प्रकट करते हैं जो हमारे साथ दिया। जय हिंद, जय भारत। पिछले दिनों 11 अगस्त को नरनाग में मासूम बच्ची के साथ एक दरिंदे ने उसके साथ बलात्कार करके, उसके साथ मर्डर करके उसके गाँव से 7 किलोमीटर दूर ले जाके उसके शव को पानी में फेंक दिया था। उस दरिंदे को और उस मुजरिम को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, इसलिए हम देशवाली विकास बोर्ड एवं शोध संस्थान के बैनर तले आज कलेक्टर महोदय को मुख्यमंत्री के नाम हमने ज्ञापन दिया है कि उस दरिंदे को अरेस्ट तो कर लिया। हम पुलिस का, प्रशासन का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उनको उस दरिंदे को 24 घंटे के अंदर उसको अरेस्ट कर लिया है। लेकिन हम सरकार से, न्यायालय से, प्रशासन से ये उम्मीद करते हैं कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और उसको फांसी की सज़ा मिले। ऐसा कृत्य और किसी दूसरे परिवार के साथ, दूसरी मासूम बच्ची के साथ ऐसा कृत्य आइंदा नहीं है।